हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। चंदा बिस्ट ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो आज है दिवाली, तो दिवाली का वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ। पूजा हो चुके, तो मैं पूजा के बाद बना रही हूँ, क्योंकि पूजा कर रहे थे तो कैमरा नहीं पकड़ पाई मैं। और दूसरा बच्चा यानी कि मेरे बच्चे पटाखे फोड़ रहे थे, आरती कर रहे थे, तो हम वीडियो नहीं शूट कर पाए। तो मैं पूजा के बाद का दिखा रही हूँ आपको। और अब स्टार्ट करते हैं हम आगे, क्योंकि पूजा कर दी है, भोग भी लगा दिया। पूजा करने के बाद सासू जी यानी कि मम्मी जी प्रसाद को बांट रही हैं। जिस घर से थोड़ा सा पूजा करने के बाद प्रसाद जो आता है ना, खील बतासों का, उन्हें दे रही है। तो गिन्नी को कह रहे हैं कि आप दियाओ, और गिन्नी मेरी बेटी पटाखे लेकर आई है और प्रसाद बांटने के लिए जा रही है। मम्मी ने तैयार कर दिए हैं प्रसाद। उसके बाद मैं बनाऊँगी खाना और मैं आपको दिखा रही हूँ अपना मंदिर। ये मेरा मंदिर है, एक में मैंने ज्वेलरी रखी है, एक में खील बतासे रखे हैं और भगवान जी की मूर्तियाँ देख तो अब हम आ गए हैं नीचे। पूजा करने के बाद बच्चों को होती है पटाखे फोड़ने की, तो मैंने कहा जब नीचे आ गए तो थोड़ा वीडियो शूट कर ले जाए, तो बच्चे पटाखे फोड़ने के लिए नीचे आए। और ये देखो मेरा आदि कैसे खेल रहा है। तेरी अरे यार, एक एक करके फोड़ेगी। लड़ी लेकर आती ना, ये ऐसे नहीं फोड़ना। सुर्री में से कागज निकालो। गिन्नी क्या फोड़ रही है तू? गिन्नी के थैले में कितने पटाखे? इस बार बहुत कम आए हैं, वरना तो एक एक कट्टा भर के आता है। चार पांच फुलझड़ी के डिब्बे हैं। दीदी जल गया? नहीं जला। चलो ऊपर चलते हुए चलेंगे। चलो तुम लोग क्या कर रहे भाई? आदि क्या हो गया? अरे कितने अनार फोड़ दिए तूने। अरे इधर को खिला। आपके पटाखों की लाइन लगा रहे हो? आप पटाखे जला रहे हो क्या? नहीं। फिर क्या कर रहे हो आप? मम्मा ये बंद नहीं हो रहा। अभी मैं करूंगी रहने दो। आदि पीछे खड़े हो जाओ। आदि बच्चों ने पटाखे फोड़े, उसके बाद मैंने घर में खाना बनाया। सबने खाया मगर मेरे हस्बैंड और मैंने खाना नहीं खाया, क्योंकि हमने अपनी सिस्टर के घर जाना था, तो इसलिए हम खाना बाद में खाएंगे। हम आ गए अपनी सिस्टर के घर। चलिए मिलते हैं आगे। यह मंदिर जो इन्होंने पूजा कर ली और हमने पकौड़े भी खा।
चार तो मैंने साफ करे, पकोड़े खा लिए, पकोड़े हमने खा को खत्म कर दिए क्योंकि फिर आपके मुंह में लालच आ जाता है। मेरी मिठाई, ये रही सिस्टर जिनके घर हम आए हैं। तो आपको कैसा लगा हम आए आपके घर? बहुत अच्छा लगा कि मेरी सिस्टर आई है। और कितने बजे आए ये भी बताओ? 11 बजने वाले होंगे, 11:15। देखो हम रात के 11 बजे अपनी सिस्टर घर आए दिवाली के दिन, और ये रहे हस्बैंड, इन्होंने भी दुकान बढ़ा कर आए हैं। तो अब ये खा रहे हैं पकौड़ा। जा रहे हैं, कहाँ पर जा रहे हैं अब वहाँ जाकर बताएंगे आपको, ठीक है? हंस रहा है क्यों बच्चे? अब हम आ गए हैं अपने मायके में, सो गए हैं हम घर में आके बैठ गए। तो ये रहा उनका बेटा। कहाँ बैठे हो, कहाँ पर आए हो तुम? नानी घर आ गए, मौसी के घर से नानी के घर। और टाइम क्या हो रहा है? मेरे दोस्त हैं सारे 20-20 साल से बाहर। हम आपके घर में आए, कैसा लगा? बहुत अच्छा। टाइम कितना हो रहा है जिद बताओ गाइस को हमारे। ओ माय गॉड, 11:23 हो गए। 10 लाख, 11:23, 20 लाख लगेंगे। देखो घर में ये भाई, देखो फटाफट क्या पहन रहा है। तो गाइस मैं व्लॉग में आ रहा था बनियान में, पुरानी सी टी शर्ट पहने बैठ गया। देखो मैं बनियान में आ रहा था, लेकिन ये कह रही नहीं तू टी शर्ट पहन। मैं तभी तेरे को व्लॉग में लूंगी, नहीं तो मेरे सब्सक्राइबर फिर बुरा मानेंगे। तो मैंने फिर फटाफट ये टी शर्ट पहनी, ले नहीं थी मेरे को ब्लॉग में। ठीक है फिर, अब हमने ले लिया आपको ब्लॉग में अपने। और ये हमारे घर में 11 बजे आई है, 11:30 हमें डिस्टर्ब करने आई है दिवाली। तो लेकिन इसकी हाजिरी होती है हर दिवाली पे, तो आइए तो भैया वेलकम तो करना पड़ेगा। वेलकम तो करना पड़ेगा। देखा ये होता है मेरा रॉब। मेरे घर के मेंबरों से भी मिल गए हैं, और हो गया रात के 11:30, अभी हम घर जाएंगे, फिर हम खाना खाएंगे और फिर हम आपको बताएंगे आगे हम क्या करते हैं। तो गाइस ब्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं, और पापा जी बाहर खड़े हैं, गिन्नी थोड़े बम और फोन लगी। अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओके बाय बाय।